Jammu and Kashmir neither is a so-called integral part of India, nor is it India's internal matter. India remains in occupation of an internationally recognized disputed territory whose final disposition needs to be decided in accordance with the democratic principle of a free and impartial plebiscite under the United Nations auspices as provided for under numerous resolutions of the Security Council. Viewers, aapki tarah main bhi nahi janti thi ki Saima Saleem kaun hai. Ek social media site Twitter pe inka Aqwame Mutahida mein khitab dekha. Dilkash awaaz, pyara sa chehra aur sabse badhkar ye ki aapne Aqwame Mutahida ke ijlas mein Bharat ka bhayanak chehra duniya ko dikhaya. और भारत के बेबुनियाद इल्जामात का जवाब दिया. हाथों के जुम्बिश से अंदाज़ा हुआ कि साइमा बेनाई से महरूम है. आपने अक़्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की. कुछ कर दिखाने की लगन ने साइमा को बहुत से एजाजात से नवाजा जिसके बारे में हम आपको बताएंगे. लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बरवक्त पहुँचती रहें. व्यूअर्स, साइमा बेनाई से महरूम है. आप एक इंतहाई काबिल इंसान हैं. ये महरूमी भी आपको अपने इरादों से ना रोक सकी. साइमा सलीम 1987 में पैदा हुई. अज़ीज़ जहां बेगम ट्रस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड से तालीम का आगाज़ किया. कनेट कॉलेज ब्राय ख़वातीन यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में पहले डिवीज़न के साथ अपनी एमफिल की डिग्री मुकम्मल की और अपनी उम्दा कारकर्दगी की वजह से तलाई तमगा जीता. साइमा ने बतौर उस्ताद भी कनेट कॉलेज में खिदमात सर अंजाम दी. कुछ मुख्तलिफ करने की ख्वाहिश ने साइमा को CSS करने पर मजबूर किया. पाकिस्तान की तारीख में आज तक साइमा से पहले किसी बेनाई से महरूम फर्द ने CSS नहीं किया था. एमफिल की डिग्री पाने के बाद वो 2007 में पाकिस्तान की पहली CSS नाबीना लड़की करार पाई. मजमूई तौर पे छठी पोजीशन और ख़वातीन में दूसरी पोजीशन हासिल की जबकि फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान की लिस्ट में पहले नंबर पे आईं. 2009 से वजारत खारजा में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं जबकि 2013 से जनीवा में पाकिस्तान की जानिब से अहम पोजीशंस पे काम कर रही हैं. आप अक़्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तरफ से मुस्तकिल अमले का हिस्सा हैं. खूबसूरत जूते और किताबें ख़रीदना साइमा को बहुत पसंद है. अपने आप को एक राइटर के तौर पे मनवाना भी साइमा का एक ख्वाब है. उसका मानना है कि अल्फाज में वो ताकत है जो किसी भी दुनिया के हथियार में नहीं है. व्यूअर्स, बचपन में साइमा को टाइफॉइड के बाद रेटना पिगमेंटोसा नामी बीमारी से आंखों की रोशनी ख़त्म होना शुरू हो गई. ये बीमारी लाइलाज थी और आहिस्ता आहिस्ता साइमा ने अपनी नज़र खोना शुरू कर दी. जब वो 13 साल की थी तो साइमा अपनी पूरी बेनाई से महरूम हो चुकी थी. साइमा के 4 बहन भाई हैं, इनमें से 2 और बेनाई से महरूम हैं. लेकिन यकीनन हार मानना इन लोगों की सरिश्त में शामिल नहीं है. इनका भाई यूसुफ सलीम पाकिस्तान का पहला नाबीना जज बन गया और साइमा की बहन लाहौर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं.